नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी, आप जानते हैं। उसके बाद में आमिर खान काफी डिप्रेस हो गए थे और उन्होंने फिल्मों से एक तरीके से ब्रेक ले लिया था। बोले कि मैं अब 2 साल तक कोई फिल्म ही नहीं करूंगा। फिर उन्होंने कहा कि एक फिल्म आ रही है चैंपियन, एक स्पेनिश मूवी है, उसका रीमेक वो करने वाले थे। हालांकि उसके प्रोड्यूसर ही है वो, तो फिल्म तो बनाई जाएगी। और फिल्म पहले सलमान खान को ऑफर की गई थी, सलमान खान ने मना कर दिया कि मैं तो नहीं करूंगा। तो फिर उनसे बात की गई रणवीर सिंह से, तो रणवीर सिंह भी ज्यादा इंटरेस्टेड दिखाई नहीं दिए उस फिल्म के प्रति। तो अब किसको कास्ट किया जाएगा तो कंफर्म नहीं है, लेकिन ये फिल्म बनाएंगे जरूर, आमिर खान प्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, वे एक फिल्म और प्रोड्यूस करने वाले हैं, राजकुमार संतोषी डायरेक्ट करेंगे लाहौर 1947। इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है, सनी देओल सर प्रमुख भूमिका में नजर आएंगे। तो ये तो कंफर्म है कि आमिर खान इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले। इसके अलावा आमिर खान राजकुमार संतोषी के साथ एक और फिल्म करेंगे और उस फिल्म के बारे में उन्होंने बताया है कि इस फिल्म का टाइटल होगा सितारे जमीन पर। बता दिया उन्होंने। इसके पहले उनकी एक फिल्म आई थी तारे जमीन पर, काफ़ी बड़ी हिट रही थी, काफ़ी इमोशनल मूवी थी। एक बच्चे की कहानी थी जो एक बीमारी से पीड़ित थे और किस प्रकार से फिर मतलब घटनाएं टर्न लेती है, काफ़ी इमोशनल मूवी थी। आपको आंखों में आंसू ला देते, इमोशनल मूवी थी। तो आमिर खान ने कहा कि तारे जमीन पर से अलग है ये फिल्म, उसमें आप खूब रोए थे, इसमें खूब हंसेंगे। तो उन्होंने हिंट दे दिया कि एक प्रकार से ये एक कॉमेडी मूवी होने वाली है। तो ठीक है, राजकुमार संतोषी के साथ उन्होंने अंदाज अपना अपना फिल्म की थी और काफ़ी कॉमेडी से भरपूर फिल्म थी, हालांकि ज़्यादा सफल नहीं थी। आमिर खान और सलमान खान प्रमुख भूमिका में थे, काफ़ी मजेदार लगी थी मुझे तो। रवीना टंडन, करिश्मा कपूर और परेश रावल का भी बहुत शानदार रोल था, अभी भी कई सीन याद है। लेकिन उसको कल्ट क्लासिकल फिल्म माना जाता है आज। तो अगर राजकुमार संतोषी इसी फिल्म को डायरेक्ट करने वाले सितारे जमीन पर, जो कि अगले वर्ष क्रिसमस के अवसर पर 2024 में रिलीज होने वाली है, तो ये फिल्म आमिर खान के लिए अच्छी हो सकती है, क्योंकि अच्छी कॉमेडी मूवी राजकुमार संतोषी बनाते हैं। अब देखते हैं आगे किस प्रकार की स्टोरी इसमें देखने को मिलती है, क्या है क्या नहीं है, तो ये तो आने वाले दिनों पता चलेगा। लेकिन आमिर खान ने टाइटल कन्फर्म कर दिया सितारे जमीन पर और अगले वर्ष 2024 में ये फिल्म रिलीज होगी। धन्यवाद आपका, टेक केयर, जय श्री राम, जय भोलेनाथ।